एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान बनाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है आसानी से लेसन प्लान बना सकते हैं। चाहे आप बीएड के विद्यार्थी हों चाहे आप डीएलएड के हों, ये दोनों विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। और आपको जानकारी भी होगा कि बीएड या डीएलएड के लिए लेसन प्लान के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो इसी आवश्यकता को देखते हुए मैं आपको यहाँ पर लेसन प्लान बनाने के बारे में बता रहा हूँ। यह अब खाली है और इसके बाद जो है अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इसके बाद हम जो है अगला जो वीडियो बनाएंगे वो पूरी तरह लेसन प्लान बनाकर बताएंगे। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं और ध्यान देते हैं कि यह लेसन प्लान कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिए, ये प्रोफॉर्मा है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये प्रोफॉर्मा है और कहीं कहीं अलग अलग कॉलेजों में इस प्रोफॉर्मा में थोड़ा सा जो है चेंजिंग जो है हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो सकता है, मात्र माइनर चेंजिंग रहता है। तो इसी प्रोफॉर्मा पर मैं आपको बताऊँगा कि लेसन प्लान जो है कैसे बनता है। फिर भी अब कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जो है हमसे पूछ सकते हैं जिस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया है। तो देखिए, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है पाठ योजना संख्या, इसका मतलब हुआ कि जो आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं उसकी संख्या क्या है। अगर पहली बार बनाने जा रहे हैं तो लिखेंगे एक, दूसरी बार बनाने जा रहे हैं तो लिखेंगे दो, तीसरी बार बनाने जा रहे हैं तो लिखेंगे तीन। इस प्रकार जो आपका पाठ योजना बनाने की संख्या है उसी को यहाँ खाली स्थान में जो है भरना है। अब आप तो सबसे पहले ऊपर देखो लिखा हुआ है पाठ योजना संख्या और उसके नीचे जो लिखा हुआ है प्रशिक्षणार्थी का नाम, यानी कि जो व्यक्ति प्रशिक्षण ले रहा है बीएड में या डीएलएड में उन्हीं का जो है यहाँ पर जो है नाम लिखना है। जैसे आपका रमेश है तो रमेश लिखिए, उमेश है तो उमेश लिखिए, जो भी आपका नाम है आप उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है विद्यालय का नाम, सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है विद्यालय का नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो विद्यालय का नाम ध्यान देना है यही कि विद्यालय का नाम वो लिखना है जहाँ आप टीचिंग करने गए हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए लिखा हुआ विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर वही नाम लिखना है जहाँ आप टीचिंग करने गए हैं। यहाँ वो नहीं कि जहाँ आपका बीएड में नामांकन हुआ है, जिस स्कूल में आप प्रशिक्षण लेने के लिए जा रहे हैं, जहाँ कॉलेज आपको भेज रहा है उसी स्कूल का नाम जो है यहाँ पे लिखना है। मुझे आशा है कि विद्यालय का नाम लिखना आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए विषय का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे तो विषय यहाँ पर कोई भी जानता है कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि मैथ पढ़ा रहे हैं, उसको आपको यहाँ लिख देना है। अब एक बात आया, उसके बाद देखिए विषय के बाद लिखा हुआ है उप विषय, सब सब्जेक्ट क्या है। तो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें उप विषय भी हैं, जैसे सोशल साइंस, तो यहाँ पर विषय में लिख देंगे सोशल साइंस, लेकिन सोशल साइंस में तीन चार विषय होते हैं कम, उसमें जैसे होते हैं आपका क्या, फिर उसमें सिविक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स है, इसके बाद हिस्ट्री है, तो उस विषय में वहीं इसको इसके बाद लिख देंगे। विषय में लिख देंगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, और उप विषय में जो लिख देंगे, मान लीजिए भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल लिखेंगे, इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास लिखेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स लिखेंगे। तो इस प्रकार जो है विषय और उप विषय को यहाँ पर भरते हैं। इसके बाद देखिए दिनांक लिखा गया है, यहाँ राइट साइड में देखिए दिनांक लिखा गया है, तो जिस डेट को आप पढ़ाएंगे उसके यहाँ पे डेट लिख दिया जाएगा। ये भी बहुत आसान है, आसानी से आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, विषय के नीचे जो है वर्ग लिखा हुआ है। अब वर्ग में ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप बीएड कर रहे हैं तो यहाँ बीएड लिखाएगा या डीएलएड कर रहे हैं तो डीएल लिखाएगा, यहाँ वर्ग उसी को लिखना है जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप जो है प्रशिक्षण लेने के लिए विद्यालय कॉलेज से आपको जिस विद्यालय में भेजा गया है तो वहाँ जिस क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं, नाइन्थ में, टेंथ में, सिक्स में, सेवेंथ में, जिस क्लास में भी, आपको उसी क्लास का नाम यहाँ पे लिखना है, न कि बीएड या डीएलएड। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है घंटी,
मतलब कि किस घंटी में पढ़ा रहे हैं, पहली घंटी में, दूसरी घंटी में, तीसरी घंटी में, जो घंटी में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस घंटी का यहाँ नंबर देना है, 1, 2, 3, 4, 5। और इसको ध्यान देना चाहिए कि अक्सर इसको जो है रोमन अंक में ही लिखते हैं। इसके बाद देखिए घंटी के बाद जो है लिखा हुआ है प्रकरण, वर्ग के नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रकरण। तो प्रकरण को देखिए यही एक थोड़ा सा एक अलग नाम है, इसके ऊपर तो जो भी दिया गया है विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम, विषय का वर्ग, ये सब आप जानते होंगे, लेकिन बीएड या डीएड में एक प्रकरण नया शब्द आ रहा है और इसका मतलब होता है टॉपिक, जो यहाँ लिखा भी है कि जो टॉपिक, टॉपिक मतलब जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी के यहाँ नाम लिखना है। जैसे मान के चलिए कि सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो सूक्ष्म जीव लिखिए, पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण लिखिए, जल प्रदूषण पढ़ाने जा रहे हैं तो जल प्रदूषण लिखिए, भारत के इतिहास के बारे में मान लीजिए प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध लिख दीजिए, जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी पाठ का नाम यहाँ आपको लिखना है। और उसके बाद देखिए समय दिया हुआ है, समय वही है कि कितने से कितने बजे तक आप पढ़ाई करेंगे, वहाँ कितना बजे पढ़ाएंगे, 10 बजे से 10:45 से कि 11 से कि 11:15 से, जिस टाइम पे आप पढ़ाएंगे उसी का यहाँ टाइम जो है नोट कर देना है। इस प्रकार आप देखें कि पाठ योजना से संबंधित जो है आप यहाँ समझ गए होंगे कि परीक्षार्थी के नाम के पास क्या लिखना है, विद्यालय के नाम के पास क्या लिखना है, विषय के पास क्या लिखना है, उप विषय के पास क्या लिखना है, दिनांक के पास क्या लिखना है, वर्ग के पास क्या लिखना है, घंटी के पास क्या लिखना है, और प्रकरण के पास क्या लिखना है, और समय के पास में क्या लिखना है। तो यहाँ मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक बात और कि यह वीडियो आसान नहीं है, कम से कम 3 बार इसको सुनेंगे तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा, एक बार में तो संभव ही नहीं है इसको समझना। अब देखते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद देखिए दिया हुआ है सामान्य उद्देश्य और उसके बाद दिया हुआ है विशिष्ट उद्देश्य। अब कहीं कहीं दूसरे दूसरे कॉलेज में देखेंगे तो सबसे ऊपर सामान्य उद्देश्य और ये आगे न देख करके नीचे दिया रहता है विशिष्ट उद्देश्य, तो उसे कोई मतलब नहीं, आगे रह भी सकता है और नीचे भी रह सकता है। फिर इसमें लिखते क्या है, तो देखिए हर एक विषय के, जैसे आपका विषय इतिहास है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथ है, उर्दू है, तो हर एक विषय के सामान्य उद्देश्य होते हैं और यह सामान्य उद्देश्य आप चाहें तो मेथड की किताब से लिख सकते हैं या फिर जो आपके मेथड के टीचर हैं वो आपके मेथड की घंटी पढ़ाते समय निश्चित रूप के आपको सामान्य उद्देश्य पढ़ाए होंगे। सामान्य उद्देश्य के बारे में ये जानकारी आप ले लें, इस सामान्य उद्देश्य पूरा विषय से संबंधित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि इसमें लिख सकते हैं, पहला सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों को, जिसे आपका विषय इतिहास है, मान लीजिए आपका विषय इतिहास है, मान लीजिए आपका विषय केमिस्ट्री है, तो जिसका इतिहास होगा लिखेंगे विद्यार्थियों को इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे, या फिर केमिस्ट्री है तो विद्यार्थियों को केमिस्ट्री विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। इसके बाद दूसरा हम लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में देश भावना को विकसित करना, विद्यार्थियों में राष्ट्र भावना के बारे में विकसित करना, विद्यार्थियों के तर्क क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों के बोलने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों को लिखने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में समझ की क्षमता का विकास करना, इत्यादि जितने भी सामान्य बातें हैं ये सभी जो है सामान्य उद्देश्य में लिखे जाते हैं। अब बात आई आगे कि विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित किससे है भाई, तो यह जो है प्रकरण, जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित विशिष्ट उद्देश्य में मटेरियल लिखा जाता है। मान लीजिए कि हम इतिहास विषय में पढ़ा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध, तो इसमें लिखेंगे हम पहला कि पहला लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य में कि हम जो है विद्यार्थियों को प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बारे में जानकारी दे सकेंगे, फिर लिखेंगे कि विद्यार्थियों को प्रथम विश्व युद्ध के स्वरूप के बारे में जानकारी दे सकेंगे, ये लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में जानकारी दे सकेंगे। तो जो आप लेसन प्लान में बनाने जा रहे हैं
उसी को जो है यहाँ पर जो है लिख देना है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना आपको होगा, ध्यान दीजिए, पुनः रिपीट करते हैं कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति के जो है आरा से जो है पटना जाना है, जिसका डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर के अबाउट है, और वो विशिष्ट उद्देश्य में लिखता है कि हमारा उद्देश्य है पटना जाना, ठीक है, लेकिन जो है आरा से जो है मात्र दानापुर जा रहा है, तो उसका उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई और लेसन प्लान फ्लॉप हो जाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो मान लीजिए लिखा हुआ, पूरा इसको रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिए, एक व्यक्ति का उद्देश्य है कि आरा से दिल्ली पहुंचना और दूसरा का टारगेट है आरा से बक्सर पहुंचना, ध्यान से सुनिए। अब मान के चलिए कि जो व्यक्ति का टारगेट है, विशिष्ट उद्देश्य है आरा से दिल्ली पहुंचना, अगर वह कानपुर भी पहुंच जाता है तो वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसका उद्देश्य था दिल्ली पहुंचना, अतः उसका शिक्षण जो है सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य में लिखा हुआ है कि इसका टारगेट क्या है, दिल्ली जाना। वहीं दूसरे व्यक्ति ऐसा है जो लिखा हुआ है कि हमको आरा से बक्सर जाना है, दूरी कम है, लेकिन आरा से बक्सर लिखा हुआ है और आरा से बक्सर पहुंच भी गया, तो वहाँ पे यह हुआ कि इसका उद्देश्य जो है पूरा हुआ है। तो पहला जो है चूँकि टारगेट दिल्ली था लेकिन कानपुर ही जा सका, मेहनत ज़्यादा किया लेकिन उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, अतः जो है वह असफल हुआ। और जिसका था कि खाली आरा से हमको बक्सर जाना है, डिस्टेंस कम है, लेकिन वह बक्सर पहुँच जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि इसका शिक्षण जो है सफल हुआ। तो इस प्रकार विशिष्ट उद्देश्य में वहीं आप लिखें जो आप लेसन प्लान में पूरा कर सकें। मान के चलिए कि आप विशिष्ट उद्देश्य में लिख दिए कि प्रथम विश्व युद्ध कारण, दूसरा लिख दीजिए प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम, और लेसन प्लान में सिर्फ कारणें बता रहे हैं, तो आपका लेसन प्लान सक्सेस नहीं माना जाएगा। अगर आप यहाँ कारण और परिणाम दोनों लिख रहे हैं तो आप कारण और परिणाम दोनों पढ़ाइए, अदरवाइज सिर्फ लिखिए कि विशिष्ट उद्देश्य में लिख दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बारे में जानकारी दे सकेंगे, परिणाम यहाँ लिखे ही मत। अगर नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं कि हम यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बारे में जानकारी दे सकेंगे, तो आप सिर्फ कारण भी पढ़ाएंगे तो आपका वह टीचिंग जो है सफल माना जाएगा। अब इस प्रकार देखिए, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि विद्यार्थी का नाम क्या होगा, विद्यालय का नाम क्या होगा, विषय क्या होगा, उपविषय क्या होगा, दिनांक क्या होगा, वर्ग क्या होगा, घंटी कौन सी होगी, प्रकरण क्या होगा, और सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य जो है क्या होगा। मुझे आशा है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहाँ इसी पेज फर्स्ट पेज में ही कि शिक्षण सामग्री यानी कि सहायक सामग्री आप क्या लेंगे। तो सहायक सामग्री का मतलब होता है कि जो, ध्यान दीजिए, जो आप विषय टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और उस टॉपिक से संबंधित आपके पास में जो है कौन कौन सा एक्स्ट्रा मटेरियल आप लिए हुए हैं, जिससे कि विद्यार्थी का शिक्षण अच्छा हो सके, विद्यार्थी अच्छा से समझ सके। जैसे आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं चौक, जस्टर, इसके बाद हम लिख सकते हैं आपका मैप, ग्लोब, कुछ भी हो, जो भी आप पढ़ाते समय में किसी दूसरे चीज़ की सहायता लेते हैं उसको यहाँ पे हम जो है लिख सकते हैं। मान के चलिए कि लड़का जो है ताजमहल नहीं देखा है, ताजमहल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो ताजमहल का जो है आप जो फ़ोटो लेकर उसको पढ़ा सकते हैं, ताजमहल के मॉडल को लेकर पढ़ा सकते हैं। आप जो है मान लीजिए कि आप बिहार के जो है लाइब्रेरी है नालंदा का, नालंदा के लाइब्रेरी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका मॉडल बनवाकर विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। नदियां पढ़ाना चाह रहे हैं तो नदियों को मैप के द्वारा आप बनाकर उसको विद्यार्थी को दिखा सकते हैं, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ जाए कि कौन नदी कैसे कैसे बहती है और किधर जाती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है। इस प्रकार वहाँ पर आपका चार्ट पेपर भी सहायक हो सकता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि पढ़ाते समय जिस सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं उसी को यहाँ पर लिखना है, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट, ऐसे चार्ट पेपर, मॉडल, और भी बहुत सारे। मान लीजिए कि आप अगर कोई वीडियो बनाकर रखे हैं ताजमहल का या किसी भी टॉपिक का, तो उसे ताजमहल के बारे में भी आप वीडियो भी दिखा सकते हैं। सामान्यतः मान लीजिए कि जहाँ पर परमाणु बम गिरा है उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी, और आपके पास में अगर उस जगह का अगर वीडियो कोई है तो आप जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से उस वीडियो को भी दिखा सकते हैं क्लास में। तो वहीं जो सहायक सामग्री है उसी को यहाँ पर जो है लिखना है, और जो इसका यूज नहीं करते हैं उसको नहीं लिखना है। ये नहीं कि बिना मतलब का जो मन है सो लिख दिए, नहीं, जिसका आप यूज कर रहे हैं उसी को खाली यहाँ लिखना है। इसके बाद शिक्षण विधि है,
अब शिक्षण विधि में क्या करना भाई, तो शिक्षण विधि में ध्यान दीजिए, शिक्षण विधि का मतलब क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षण विधि में क्या क्या आपको करना है। तो शिक्षण विधि बहुत सारी विधियाँ हैं, आपको जानकारी होगा कि शिक्षण के जो है बहुत सारी विधियाँ होती हैं, और उसमें जो है आपको जो विधि उपयुक्त लगे, व्याख्यान विधि है, आगमन निगमन विधि है, इसके बाद जो है प्रयोग विधि है, भ्रमण विधि है, तो जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि है, उस विधि को यहाँ पर आपको लिख देना है कि हम किस विधि से जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान जो है यहाँ लिखा हुआ है, पूर्व ज्ञान से मतलब क्या कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान क्या है, एक अनुमान के तरह जो है इसको लिखना है। अब मान के चलिए कि आप प्रश्न प्लान बनाने जा रहे हैं, विद्यार्थी क्या जानता है, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सामान्य होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पिछड़े होते हैं, तो एक अनुमान के तरह जो हम जो इसको लिखते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम द्वितीय विश्वयुद्ध पढ़ा रहे हैं तो लिख सकते हैं यहाँ कि विद्यार्थी को प्रथम विश्वयुद्ध के बारे में जानकारी है, ऐसा अनुमान लगाते हैं। राष्ट्रपति पढ़ाने जा रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कि विद्यार्थी को प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों और नियुक्ति के बारे में सभी जानकारी है। अगर विद्यार्थी को पड़ोसी देश नेपाल के बारे में पढ़ाना है तो पूर्व ज्ञान लिख देंगे कि विद्यार्थी को पड़ोसी राज्य के बारे में जानकारी है। तो इस प्रकार जो है जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो है पूर्व ज्ञान को यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए है प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या है कि तीन प्रश्न जो है पूछना है, और तीसरा प्रश्न के बाद जो है तीसरा या चौथा प्रश्न जो है आपका समस्यात्मक होना चाहिए। इस प्रस्तावना को जो है हम अगली वीडियो में एक अलग से खाली प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, अंत में छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, इसलिए प्रस्तावना के लिए एक अलग से हम वीडियो बताएंगे जिसमें कि आप आसानी से प्रस्तावना को समझ सकें। प्रस्तावना ही सबसे जो है डिफिकल्ट है, बीएड क्लेशन प्लान बनाने में प्रस्तावना सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, और इसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि प्रस्तावना में क्या है। यहाँ पर सामान्य रूप से आपको हम बता दे रहे हैं कि प्रस्तावना में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर शिक्षक जो है पढ़ाने जो जा रहा है क्लास में, वो जो है तीन या चार प्रश्न जो है विद्यार्थी से पूछता है, और चौथा प्रश्न जो है ऐसा होना चाहिए जो कि समस्यात्मक हो, जो प्रकरण हो वो हो, और विद्यार्थी जानकारी नहीं हो। और जिसे मान के चले कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाना है हमको द्वितीय विश्वयुद्ध, तो विद्यार्थी से पूछेंगे कि भाई सबसे पहले कौन सा, दुनिया में कितने विश्वयुद्ध हुए, तो हम बोला कि दो विश्वयुद्ध हुए, कौन कौन, तो प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, तो विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है भाई, मौन हो जाता है। तो उसके बाद नीचे लिखेंगे उद्देश्य कथन कि विद्यार्थी आज हम आपको क्लास नाइन्थ के इतिहास विषय में द्वितीय विश्वयुद्ध के बारे में पढ़ाएंगे। तो जो आपको टॉपिक पढ़ाना है उसको यहाँ पर जो है नोट कर देंगे। ध्यान रहे हम अगले वीडियो जल्द ही आपको एक लेसन प्लान बना करके आपको बताएंगे जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। फिर भी कोई समस्या हो तो आप जो है हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसी प्रकार के और भी लेसन प्लान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है भी जानकारी का, वहाँ से जाकर आपको और सारा जो है पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं इससे संबंधित, और जल्द ही और सारे लेसन प्लान बनाकर आपको बता दिया जाएगा जिससे कि आप आसानी से लेसन प्लान बनाना सीख जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई, तो अगला पेज देखिए, ये पेज नंबर 2 है। जितना भी हम जानकारी यहाँ दे रहे हैं देखिए, ऊपर से पाठ योजना, प्रशिक्षार्थियों के नाम, विद्यालय का नाम, विषय, वर्ग, प्रकरण, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, ये सभी जो है आपका फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएगा आपको। और इसके बाद जो है उद्देश्य कथन के बाद जो है पेज आपका आ जाएगा 2, और पेज 2 जो है 4 भागों में विभाजित रहता है, ऐसे कहीं कहीं 6 भाग में भी रहता है, प्लान का जो है 6 कॉलम भी रहता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जहाँ के विकेश पासी जो हैं माइक्रो टीचिंग के भारत में लाने वाले थे, और उन्होंने भी बताया कि 6 होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः जो है भारत में अधिकांश जगह 4 कॉलम वाला जो है लेसन प्लान बनाया जाता है। और यहाँ पे 4 कॉलम में क्या है तो देखिए, प्रस्तुतिकरण, और पहला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है, आसानी से देख सकते हैं, शिक्षण बिंदु,
और उसके बाद है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के नाम कथन, उसके बाद है छात्र क्रिया, उसके बाद है श्यामपट कार्य। ये चार चीज़ें हैं, इसी के अनुसार आपको पूरा लेसन प्लान बनाना चाहिए। लेसन प्लान कितना होना चाहिए, विद्यार्थी के क्वेश्चन के लेसन प्लान कितने पेज का होना चाहिए, तो इसका आंसर यही हुआ कि लेसन प्लान उतना होना चाहिए कि कम से कम आप 40-45 मिनट क्लास में जो है पढ़ा सकें, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। बहुत कम भी होगा तो क्लास आपका पहले ही समाप्त हो जाएगा, अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, और बहुत ज़्यादा भी होगा तो आपका छूट जाएगा। अतः जो है यह टारगेट लेकर चलना चाहिए कि हमारा लेसन प्लान जो है के माध्यम से हम जो है क्लास में 40-45 मिनट आसानी से पढ़ा सकें। अब आगे इसमें क्या क्या करना है सर, देख लीजिए, वीडियो लंबा तो हो रहा है लेकिन जानकारी के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। शिक्षण बिंदु, और इसमें लिखना है छात्राध्यापक का कथन, दूसरा में छात्र क्रिया, तीसरा है श्यामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में क्या लिखेंगे, जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ा रहे हैं प्रथम 20 जून, तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिख देंगे प्रथम 20 जून, और उसके बारे में जो लिखना होता है उसको जो है छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे। यहाँ पर सेकेंड रूम में प्रथम में लिखेंगे खाली प्रथम 20 जून, चूँकि सिर्फ बिंदु लिखना है, और दूसरा में उसका पूरा डिटेल्स लिखेंगे। तीसरा कॉलम में यहाँ लिखा हुआ है छात्र क्रिया, यहाँ पर लिखेंगे कि विद्यार्थी जो है कॉपी में नोट कर रहे हैं, विद्यार्थी जो है शिक्षक के बातों को आत्मसात कर रहे हैं, या लिखेंगे विद्यार्थी शिक्षक के बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सुविधा के अनुसार जो जो एक्टिविटी विद्यार्थी करते हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद श्यामपट कार्य है, श्यामपट कार्य में ध्यान देना एक चीज़ ऐसा है कि ऐसे चलन में नहीं है और चलन में है भी, इस पर जो है ब्लैक जो चार्ट पेपर है उसको यहाँ चार्ट चिपका देते हैं, जिससे कि आसानी से समझ जाए कि श्यामपट कार्य है। श्यामपट कार्य मतलब कि जानते हैं श्याम मतलब काला, और काला को चिपका करके उस पर हम लोग जो है कुछ लिखते हैं। ऐसे आजकल देख सकते इलेक्ट्रॉनिक जो है बोर्ड आ गया है, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो जो श्यामपट पर कार्य करते हैं उसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि क्लास में जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ मुख्य मुख्य बातों को श्यामपट पर जो है लिखते हैं, तो वही मुख्य मुख्य बातों जो है यहाँ पर आपको श्यामपट कार्य में लिख देता है। और यहाँ पर एक देखिएगा, कुछ देर पढ़ाइएगा तो समस्या क्या आती है कि विद्यार्थी शांत शांत सा रहते हैं, तो बीच में क्या करेंगे कि हम एक जो है प्रश्न यहाँ पर पूछ देंगे, तो शिक्षण बिंदु में लिख देंगे कि जो है प्रश्न और छात्रा अध्यापक जो कार्य होगा लाइन नंबर 2, यहाँ पर एक जो है प्रश्न डाल देंगे, जो ऊपर हम पढ़ाए हैं वही ध्यान रहे, जो पढ़ाए हैं उसी से संबंधित जो है आपको यह प्रश्न एक डालना है। और उसके बाद जो छात्र क्रिया में लिख देंगे कि छात्र जो है सही इसका उत्तर देंगे, और उसी को में से एक दो शब्द जो है श्यामपट वाला पर लिख देंगे। इस प्रकार जो है यह भी आप मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, लेकिन एक वीडियो इस पर 3 वीडियो बनाएंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। एक वीडियो से समझना जो मुश्किल है, चूँकि यह वीडियो का सबसे बीएड का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए इसको 3-3, 4-4 वीडियो से हम आपको समझाएंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। इसको देखने के लिए इस चैनल से निश्चित रूप से आप जुड़ जाएँ, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए इसकी बात क्या लिखेंगे भाई, और एक स्टेप होने के बाद मान चल के कि हम पढ़ा रहे हैं प्रथम 20 जून, तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि प्रथम 20 जून के कारण। तो पहला कारण क्या है भाई, तो पहला कारण लिखते हैं कि मान लीजिए कि जो जो आपका कारण है तत्कालिक कारण, उसके बाद है जो भी कारण है, तो जो मुख्य बिंदु रहता है, जो मुख्य बिंदु रहता है उसी को खाली शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, और उसके बाद उसके जो मटेरियल रहता है वो सेकेंड नंबर कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद जो छात्र क्रिया होती है उसको थर्ड नंबर कॉलम में लिखेंगे, और जो श्यामपट से संबंधित जो कार्य होता है श्यामपट कार्य में लिखेंगे। एक लेसन प्लान बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और इसके देखिए पेज नंबर 2 हो गया, अब इसी तरह जो पेज नंबर 3 भी है सेम बाय सेम है, इसमें भी वही है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कार्य, छात्र क्रिया, श्यामपट कार्य, इसमें भी वही है, तो ऐसे ही कर देना है। और हम आपको बता ही चुके हैं कि अगला वीडियो में एक लेसन प्लान बनाकर बताएंगे। और इसके बाद देखिए लास्ट पेज पर क्या रहता है, पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में क्या रहता है कि जो जो आप पढ़ाए हैं उसको रिपीट कर देना है,
इससे क्या होता है कि विद्यार्थी आपके पूरे पहली घंटी जो क्लास लिए हैं शुरू से लेकर अंत तक जो है क्या क्या पढ़े हैं उसको जो है रिपीट हो जाता है, उनकी याद जो है ताज़ा हो जाती है। इसलिए पुनरावृत्ति का प्रश्न जो है पूछा जाता है कि विद्यार्थी जो है कम समय में एक बार जो है पूरे 45 मिनट की घंटी को जो है रिपीट कर सकें। और उसके बाद देखिए यहाँ मूल्यांकन के प्रश्न, मूल्यांकन का प्रश्न मतलब क्या कि जो आप पढ़ाए हैं उससे संबंधित जांचने के लिए कि यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर जो हम पढ़ाए हैं वो विद्यार्थी को समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो बताएगा, नहीं बता रहा है मतलब कि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आया है, इसलिए उसको मूल्यांकन के प्रश्न जो है करेंगे। और सबसे अंत में क्या हुआ, गृह कार्य दे देंगे। मूल्यांकन के प्रश्न होने के बाद जो है विद्यार्थी को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में ध्यान देना कैसा कुछ क्वेश्चन हो जो रचनात्मक हो, जैसे मान लीजिए कि बिहार की नदियाँ पढ़ा रहे हैं, भारत की नदियों को पढ़ा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि भारत बिहार की या भारत की नदियों को मैप में दर्शा कर आप कॉलेज में लाओ। तो इस प्रकार कुछ ऐसा कार्य देना चाहिए जिससे विद्यार्थी को जो है एक क्रियात्मक विकास हो। तो इस प्रकार जो है आप लेसन प्लान जो है बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लेसन प्लान बनाना समझ गए होंगे, लेकिन पुनः रिपीट करते हैं कि एक लेसन प्लान क्या, एक कम से कम 4-5 लेसन प्लान हम आपको बनाकर और सादा भी इसी तरह भी बताएंगे जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। एक बार इसको वीडियो को देखने से बिल्कुल ही आपको लाभ नहीं होगा, कम से कम 3-4 बार देखेंगे तभी जो है पूरी तरह जो है ये समझ में आएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 70334738 पर कमेंट करके इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर या यूट्यूब चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट में जो हुआ है पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। पूरा लेसन प्लान आप बना लेते हैं तो पर्यवेक्षक उसको जांच करता है और उसको पर अपना हस्ताक्षर करता है, तब अंत में जो है आपका लेसन प्लान जो है पूरा होता है। तो इसी के साथ जो है हम ये लेसन प्लान जो है आज के समाप्त कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है लेसन प्लान बनाने में तो आप जो है निश्चित रूप से इस चैनल पर कमेंट कीजिए, आपको समस्याओं का निदान जल्द से जल्द जो है किया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं, अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।